दिल्ली शराब घोटाले में चौतरफा घिरी आम आदमी पार्टी। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब आप सांसद संजय सिंह पर तलवार। ईडी की रडार पर अगला कौन? क्या आम आदमी पार्टी भी बनेगी आरोपी? दिल्ली शराब घोटाले की आग राज्यसभा सांसद संजय सिंह तक पहुंच चुकी है। इस मामले में ईडी की तलवार पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब आप सांसद संजय सिंह पर जाकर लटक गई है। बुधवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए संजय सिंह के घर पर छापेमारी की और घंटों हुई इस छापेमारी के बाद ईडी ने राज्यसभा सांसद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि ईडी की रडार पर अगला कौन होगा? आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया। कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नेचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद देश भर में बवाल जारी है। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। मामले में हुई सुनवाई में बेंच ने पूछा कि आखिर आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस घोटाले से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने ईडी की पैरवी कर रहे एएसजी एसवी राजू से पूछा कि जब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि आपको फायदा हुआ है, अगर अपराध की रकम राजनीतिक दल को मिली है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया। सुनवाई के दौरान पीठ ने एक और सवाल पूछा कि क्या कैबिनेट नोट को कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सकता है। इस पर अगली सुनवाई में जवाब तलब किया गया है। तो क्या अब ईडी की रडार पर अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के बाद आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जाएगा? नहीं निकले, अब संजय सिंह के बारे में भी यही विक्टिम उड कार्ड। परंतु अगर आप ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, तो एफआईआर अगस्त 2022 में फाइल हुई, कॉस्ट क्यों नहीं हुई? आपने अभी तक किसी को बेल में राहत क्यों नहीं दिलवाई? और जो मुख्य सवाल है शराब घोटाले के, अगर घोटाला हुआ ही नहीं तो भाई साहब बताइए पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? क्यों 2.5% से 12% कमीशन हुआ? क्यों ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने दिया गया? क्यों आपने 144 करोड़ का वेवर दे दिया कोविड के उस कालखंड में, 50 रुपए का डिस्काउंट इंपोर्टेड लीकर पर, सारे नियम कायदे को तोड़कर? और अस्पताल बनाने की बात की थी, दो दो तीन तीन ठेके, कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर, कहीं गुरुद्वारे के पास। अगर ये शराब घोटाला हुआ ही नहीं तो बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी, आपकी चहेती पार्टी, आपकी सहेली आजकल जो बनी हुई है, उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पकड़ा है मनीष सिसोदिया को और उनको राहत नहीं मिलनी चाहिए। अनुसंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, इस मामले में ईडी ने की, स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। कल न्यूज क्लिक के से जुड़े तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर, पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि बिहार की जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है, प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाए हुए हैं, पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट भी करना है, विपक्ष के लोगों को डराना भी है। ये सिलसिला मैं जानता हूं हमारे प्रतिकार के बावजूद चलेगा, क्योंकि उनके राजनीतिक उपकरण अब उनके पास कुछ नहीं बचा, शब्द नहीं, भाव नहीं, कहने को कुछ नहीं, देने को कुछ। फिलहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में सियासत गर्म है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। देश भर में दिल्ली, मुंबई और पुणे में जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
वहीं बीजेपी ने भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आज राजघाट और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। बहरहाल जांच एजेंसी का दावा है कि इस पूरे केस में संजय सिंह की अहम भूमिका है। उन्होंने शराब नीति बनाने से लेकर इसे लागू करने तक में अहम भूमिका अदा की। इस केस की जांच में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता अब तक नप चुके हैं। अब अगला नंबर किसका होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।